तो ये जो जम्पर है दोस्तों, ये क्यों लगाया मैंने, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप जब अपने शील्ड और केन उठाते हो तो आपके कंपोनेंट्स में ग्राउंड मिसिंग हो जाता है, वो कैसे ढूंढना है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने वाला हूँ, तो इसको जरूर देखना वाला हूँ। तो इस फोन को क्योंकि डीसी मशीन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो देखिए माइनर शॉर्टिंग आ रही है, आप नोटिस करो, माइनर रीडिंग आ रही है, स्टेबल है, रिवर्स रीडिंग 1000 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि वीपीएच में तो शॉर्टिंग नहीं है, और हमें अपना सीपीयू भी बचाना है। शॉर्टिंग में दोस्तों हम कहीं भी शॉर्ट किलर नहीं लगाएंगे, बहुत बेवकूफ लगते हैं मुझे वो लोग जो कहीं पे भी किधर पे भी शॉर्ट किलर लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना आपका डाटा है, इन दोनों चीजों के अंदर, अब ये मान के चलो दोनों में डाटा है, मैं ये कहूँ कि सिर्फ इसमें डाटा है तो गलत है, क्योंकि जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो मतलब दोनों में ही डाटा है। तो अगर आप इन दोनों को हार्म करोगे तो आप कैसे कस्टमर को डाटा दे दोगे, और फिर विदाउट डाटा कस्टमर का मतलब लॉस ही है। ठीक है, मतलब मेरा पावर ही खराब था दोस्तों। पर ये मोबाइल अब शायद अभी भी ऑन ना हो, कि रीजन इसका एक क्या है कि इसका पतरा निकालने की वजह से फोन डेड हुआ है, और 0.07, अब देखो 0.07 आके रुक रहा है, छोड़ देने पे 0 हो जा रहा है। दोस्तों इसका ना बैटरी कनेक्टर भी एक बार है ना चेंज कर ही देते हैं, एक बार झंझट ही खत्म करते हैं। इधर है ये दूसरा वाला, ठीक है 1.4, और यहाँ 0.60 में जा रहा है, जो कि खतरनाक रीडिंग मानी जाती है। 0.60 फोन ऑन ही क्या है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर इसका MMC हर्ट नहीं है और CPU खराब नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है CPU खराब नहीं है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, स्टेबल है, और हर तरह का बग बन रहा है, फीडबैक सेंस हो रहा है, बस कुछ रैम की साइड के पोर्ट नहीं लगा, रैम की साइड के वो नहीं लगे थे। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हमारे YouTube फैमिली के हिसाब सभी लोग दोस्तों, मेरे पास एक मोबाइल है डेड कंडीशन में, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये 6A है, और इसमें क्या काम हुआ है तो पहले मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पतरा यहाँ से निकला है, तो खैर ट्रैक है, बाकी नेटवर्क में काम हुआ नहीं है। हम इसको रिकवर करेंगे डैड फोन को, और हम इसकी पूरी कंडीशन समझेंगे। देखिए मुझे लग रहा है CPU पे हीट किया गया है, MMC पे देखिए यहाँ पे हीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग के मतलब पेस्ट के निशान है, पेस्ट मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर हीटिंग के निशान है, तो यहाँ पे हीट किया हुआ है, देखो ये देखो पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, पतरा देखो ये निकाला गया है यहाँ से, तो ये पतरा भी खींच के निकाला गया है, ये देखिए, ठीक है, पतरा मतलब केन सील। तो ये आपका मेन पावर है, आइए सबसे पहले डेड डायग्नोस में कुछ नया करते हैं। ये आपका मेन पावर है, ये आपका CPU है, ये आपका EMCP है ये आपका सब पावर है, प्लस लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, VSP से VPS सेक्शन, ठीक है, LED, और ये आपका PFO दोनों, ये आपके यहाँ पर इसका WTR लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे WTR तो आप हंसेंगे, खैर इसको यहाँ पर ट्रांस रिसीवर बोलते हैं, ठीक है, ये इसका DRX है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसका वाईफाई लगा होगा, ये एक LED है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी IC दिख रही दे रही है ये एक प्रोटेक्शन सर्किट है, यहाँ पर ये कोड रजिस्टर है। कॉम्पोनेंट पर हम एक वीडियो बहुत अच्छा बनाएंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस को कॉम्पोनेंट पर वीडियो चाहिए। सबसे पहले आइए इसकी बूटिंग देखते हैं कि ये क्या बूट ले रहा है, क्या MPL ले रहा है। तो
हमको पता चल जाएगा कि बूटिंग सिक्वेंस कितना है। नोटिस करो, तो आप देखिए, हमने यहां पर डीसी मशीन में मैं इसको टच करने वाला हूं, क्योंकि डीसी मशीन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो देखिए माइनर शॉर्टिंग आ रही है, आप नोटिस करो माइनर शॉर्टिंग आ रही है। इसको हम माइनर शॉर्टिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर यहां पे आता तो हाफ होता, यहां आता तो फुल होता। ये माइनर शॉर्टिंग में ये देखिए, तो माइनर शॉर्टिंग में बहुत कुछ कुछ सेट बूट भी हो जाते हैं और कुछ कुछ सेट बूट नहीं होते। तब पावर की दबाएंगे, देखिए थोड़ी सी बूटिंग ले रहा है 0.3। चलिए, तो माइनर शॉर्टिंग है, मतलब कहीं ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो चुका है। हाँ क्या कह रहे हो? IMEI। हाँ, तो थोड़ा सा सर उसका फोटो भेज दीजिए, चेक कर लेना नोट 10 एस और नोट 10 प्राइम। नहीं तो ये क्वालकॉम है ना, तो प्लीज नोट 10 सर। हाँ, नोट 10 का भेज दो तुम जी। तो चलिए, इस फोन में सबसे पहले शॉर्टिंग देखेंगे। अच्छा दोस्तों, शॉर्टिंग देखने के लिए बहुत सारे लोग बजर मोड पे लगाते हैं, पर मैं बोलता हूँ बजर मोड पे मत लगाइए। और शॉर्टिंग देखने का तरीका होता है उसको डायोड मोड पे चेक कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे टीचरों को नॉलेज ही नहीं है। अच्छे व्यू आते भी हैं, उनके लाख लाख व्यू आते हैं, पर उनको नॉलेज ही नहीं है। वो बजर पे से बीप देखे और सीधे बोलते उड़ा दो। खैर, तो पहले हम देख लेते हैं हमारी बीपीएच लाइन शॉर्ट है कि नहीं, ये देखो। और बैटरी कनेक्टर पे पहले हम चेक करेंगे, तो थोड़ा सा कनेक्टर टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा नोटिस करो, इसको थोड़ा दबाया हुआ होगा या फिर जो भी है। देखिए, एक बार मल्टीमीटर को अटैच कर लेते हैं। तो नोटिस कीजिए, रीडिंग आ रही है, स्टेबल है, रिवर्स रीडिंग 1000 के ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि वीपीएच में तो शॉर्टिंग नहीं है। और तो इसका मतलब है कि बीपीएच में शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो शॉर्टिंग कहीं और है, तो आइए शॉर्टिंग चेक करते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं,
कोई शॉर्टिंग नहीं। हमेशा सीपीयू के पास जरूर देखें क्योंकि सीपीयू से वीआईओ लाइन जुड़ती है और बहुत सारी सीपीयू से 1.8 वोल्टेज की लाइन होती है जो अलग अलग सेक्शन के लिए एक्टिवेट के लिए जाती है, तो वो भी कई बार शॉर्ट हो जाती है। तो नोटिस करो एक कैपेसिटर मुझे मिला है, ये देखिए यहां पर बीप आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कैपेसिटर ये कौन सी लाइन में लगा हुआ है। तो इसके लिए हम डायग्राम ओपन करते हैं। तो देखिए ये डायग्राम हमने ओपन किया हुआ है, तो 6A ओपन करेंगे। दोस्तों 6A का तो मैं ऐसा सर्किट आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बूट सिक्वेंस ये वे, मतलब मुझे नहीं लगता 6A अगर आपके पास आया तो बिना बने जाएगा। ये देखिए ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर VS1 का कैपेसिटर है। अच्छा VS1 का कैपेसिटर है दोस्तों, तभी एक चीज मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि VS1 के कैपेसिटर के चक्कर में यहां पर ना नोटिस करो, ये देखो जब मैं यहां पर चेक कर रहा था तो मुझे देखो यहां पे कॉइल मिस है। तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने यहां पर कॉइल निकाला है शॉर्टिंग को चेक करने के लिए, कि होता है ना कि कॉइल पे शॉर्टिंग आता है तो कॉइल निकाल, मतलब यहाँ पे बग पे शॉर्टिंग आता है तो कॉइल निकालो, एक और बीप आ रहा है कि नहीं। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए ना यहाँ बीप है। तो VS1 को यहां से चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि VS, ये तो VS2 का एक्स्ट्रा BS2 का बग सेक्शन है और यहाँ पर VS1 का कोई लेना देना ही नहीं है, है? तो पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है और हमें अपना सीपीयू भी बचाना है। शॉर्टिंग में दोस्तों हम कहीं भी शॉर्ट किलर नहीं लगाएंगे, बहुत बेवकूफ लगते हैं मुझे वो लोग जो कहीं पे भी किधर पे भी शॉर्ट किलर लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना आपका डाटा है इन दोनों चीजों के अंदर। अब ये मान के चलो दोनों में ही डाटा है, मैं ये कहूँ कि सिर्फ इसमें डाटा है तो गलत है, क्योंकि जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो मतलब दोनों में ही डाटा है। तो अगर आप इन दोनों को हार्म करोगे तो आप कैसे कस्टमर को डाटा दे दोगे, और फिर विदाउट डाटा कस्टमर का मतलब लॉस ही है फोन ऑन होना। तो कोशिश यही होती है कि डाटा पहले रिकवर करो, द कस्टमर को जैसा फोन है वैसा दो। तो इसलिए कभी भी ना शॉर्ट किलर कहीं पर भी मत लगाएं, मैं पहले आपसे यही कह रहा हूं। बहुत सारे लोग यही करते हैं और यही रीजन होता है कि सीपीयू डेड हो रहा है अभी आज के डेट में। सबसे ज्यादा फोनों में सीपीयू VIO ये सारी लाइन है, क्यों? क्योंकि कहीं पे भी कोई भी वोल्टेज इंजेक्ट किया जा रहा है एम्पीयर के साथ। तो ये जो लाइन है VS1 PMU, ये LDO1 की लाइन है, ये देखो हायर LDO बोलते हैं उसको। देखिए एक NF रजिस्टर जुड़ा हुआ है तो इसका कोई सीन ही नहीं बनता। अच्छा VS1 PMU इस IC से भी जा रहा है दोस्तों, ध्यान देना एस्ट्रा बक का इन है। तो अगर मैं यहां बात करूं, नोटिस करो इधर इस IC के, ये देखो पहला नंबर भी बीप है, तो हम ये IC भी उठा सकते हैं, हो सकता है इस IC से भी हमारा फॉल्ट हो, है ना? ठीक है, और क्या क्या हम उठाएं, और ये सीधा फिर फीडबैक में आ रहा है एज अ पावर के अंदर, और फिर आ रहा है कॉइल के थ्रू, और ये 205 वाला कॉइल है, मतलब जो इसी के बगल में लगा होता है, ये 202, ये 2.0 वोल्टेज हाई LDO वोल्टेज बनाता है। तो दोस्तों यहां पर मैं ना इस IC को उठाऊंगा, ये
पावर उठाने का कोई मतलब नहीं अभी, क्योंकि पावर इसके बाद उठाएंगे। तो हमने इस आईसी को फिलहाल उठा दिया है, ये आईसी को बाईपास भी कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले ही क्लास में इसका एक वीडियो बनाया था, और वीडियो में मैंने क्लास में बहुत सारी चीज बताई थी, वीडियो में मैंने उतनी चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, क्योंकि कई बार हम वीडियो में बहुत सी चीज हाइड कर देते हैं तो सामने तो लोगों को लगता है कि हमने उतना ही जानते हैं, पर हम बताना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डिवाइडर रजिस्टर का यूज कैसे होता है। खैर छोड़, तो कोई नहीं, अब चेक करेंगे सॉर्टिंग। देखिए अभी भी सॉर्टिंग है, मतलब इस आईसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आईसी वापस लगा देते हैं, हमने आईसी को वापस बिठा दिया है क्योंकि सॉर्टिंग तो यहां है नहीं। चलिए और अब हम पावर को निकाल लेते हैं, पर पावर को निकालने के बाद भी कोई मतलब नहीं क्योंकि लाइन ऐसा फीडबैक डायरेक्ट आ रही है। तो हम मतलब कॉइल को निकाल लेते हैं, कॉइल को निकालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि फीडबैक भी आ रहा है, हम पावर को ही निकालेंगे और सॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि हाई एलडीओ है इसके बिना तो सेट ऑन होगा ही नहीं, 1.8 वोल्टेज बनते नहीं है इसके बिना। चले अब हम यहां पे पावर को निकाल देते हैं। राजू की पावर पे काम नहीं किया, सिर्फ मेरे ख्याल से ये हीटिंग वाले एक टेक्नीशियन पे गया होगा जो सिर्फ हीट वीट करता है, ब्रश मारना हो, हीट करना हो, शॉर्ट कलर लगाना, तीन चीजें हैं सबसे ज्यादा लोग करते हैं, क्या ब्रश मारना, शॉर्ट करना हो, हीट लगाना। तो देखिए पावर निकल गया, अब हम यहां पे सॉर्टिंग चेक करेंगे। मैं शॉर्ट किलर दोस्तों बहुत ही कम देने को कहूंगा, और मैं शॉर्ट किलर तो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि फिलहाल काम ही नहीं है। तो देखिए सॉर्टिंग निकल गई है, नोटिस करो, ठीक है, मतलब मेरा पावर ही खराब था तो इसमें केवल पावर लगाना है। तो एक दूसरे बोर्ड से पावर उठा के लगा रहा हूं, पर इसको चेक कर लेता हूं उसका कोई एलडीओ शॉर्ट वॉट तो नहीं है। ठीक है,
focus is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. तो अगर आपको ये सर टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो बिल्कुल सोचिए नहीं और बिल्कुल आइए, क्योंकि हम आपको बहुत टेक्निक से पढ़ाएंगे और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घंटे देने वाला ये सर टेलीकॉम ही है। रात के 12 बजे तक पढ़ा, 11 12 बजे तक एक्चुअल में पढ़ाने वाला ये सर टेलीकॉम है। आपकी ट्रांसपेरेंसी आपके घर वाले देखेंगे डेली, आपको लाइव दिन में 3 बार रात भर जाते हुए सेटिस्फैक्शन के साथ कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ज्यादातर इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक वीडियो बन जाते हैं, एडिटेबल वीडियो जो DSLR या फिर फोन से होते हैं, हम लाइव शूट करते हैं और हमारा पर्पस ये है कि स्टूडेंट को ट्रांसपेरेंट रखना। और वो ट्रेनिंग में हम आपको सिखाने की ज्यादा कोशिश करेंगे दोस्तों, और कोशिश ये रहेगी कि एक दो फोन चालू करने से अच्छा है आपको इतना ट्रेन कर दे कि आप बहुत सारे फोनों को चालू यहां से जाने के बाद कर पाए। तो अब इस पावर को हम इसमें लगा देते हैं। तो ऐसी लग गई है, दोस्तों मैं आपको तो एक बहुत अच्छी एडवाइस जरूर दूंगा कि आप कहीं भी शॉर्ट आप जो मैन्युअली शॉर्ट क्लियर बना रहे हैं या जो भी है उनको कहीं भी मत लगाइए। आप अपने कस्टमर का डाटा डिलीट कर रहे हैं, डाटा डैमेज कर रहे हैं, CPU हार्म कर रहे हैं, MMC हार्म कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि CPU MMC बहुत ज़्यादा है, इतने भी एम्पियर में नहीं चलती जितना आप शॉर्ट कलर से दे रहे हैं उसको। सिर्फ वोल्टेज पे नहीं है ना, आप ये सोचेंगे कि एक वोल्टेज पे एक ही वोल्टेज डाल रहा हूँ क्या दिक्कत है भाई, एम्पियर देखो ना वही, वहाँ पर जहाँ 3 एम्पियर जाना है वहाँ 15 एम्पियर भेजोगे, 10 एम्पियर भेजोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे काम नहीं होगा सही। मोबाइल इंडिया में एक बिजनेस में ये काले पॉइंट काला सच है कि बिजनेस में यहाँ पर लोग है ना वो मतलब 100 में से 70% वो लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है और बस सिर्फ काम कर रहे हैं। एक्चुअली उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सही नॉलेज, स्टेटस, पैरामीटर, वोल्टेज, एम्पियर समझ ही नहीं रहे कुछ चीजों को। खैर अब हम यहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग चेक करेंगे और देखेंगे कि अब हमारा क्या शॉर्ट है क्या नहीं है। तो देखिए अब हमारा जो VS1 है वो ओके है और यहाँ पे कॉइल भी लगा देंगे क्योंकि इस कॉइल के बिना हमारा VS2 नहीं बनेगा। हमें इस कॉइल को लगाना ही होगा।
तो दोस्तों पर ये मोबाइल अब शायद अभी भी ऑन ना हो, कि रीजन इसका एक क्या है कि इसका पतरा निकालने की वजह से फोन डेड हुआ है। और अब इसकी वजह से फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका वीडियो इस पर जो है एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होगा कि आखिर आपका जो पतरा, मतलब जब आप फील्ड निकालते हो तो आपका फोन ऑन हो जा ऑफ हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है, और बिना स्कीमेटिक के आप इसको कैसे चेक करो कि ये आप ऑन कर सकते हो 90%। 10% तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो 10% के लिए स्कीमेटिक चाहिए ही। आइए चेक करते हैं अभी ये फोन किस कंडीशन पे जा रहा है। तो ये करेक्टर भी चेंज ही करना है, ये भी टूटा ही हुआ है एक तरह से पूरा, ये देखिए। तो अभी काम चला लेते हैं। और चेक करेंगे वही खतरनाक रीडिंग पे जा रहा है 0.60, कि मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, पर कोई नहीं। तो 0.60 एक बड़ी खतरनाक रीडिंग होती है, ये एमएमसी की रीडिंग होती है। खैर हम डीसी मशीन से ऑन करके देखते हैं। डीसी मशीन मैंने लगा दिया है, तो शॉर्टिंग तो नहीं है। अब मैं पावर की दबाऊंगा, ये देखो। .07 अब देखो .07 आके रुक रहा है, छोड़ देने पे 0 हो जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है, आइए रीजन और समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सीपीयू एमएमसी पर शॉर्ट किलन मार दिया हो, भरोसा नहीं, समझ रहे आप। बट जहां तक मैंने इसको अभी चेक किया है, मैं एक जम्पर यहाँ यूज करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक फॉल्ट मिला है, तो ये जम्पर मैंने क्यों मारा है, अगर चालू हो जाएगा तो उस पर वीडियो में बनाऊंगा अगला। इसको तो चालू कर ही लूंगा, दोस्तों इसका है ना बैटरी करेक्टर भी एक बार है ना चेंज कर ही देते हैं, एक झंझट ही खत्म करते हैं।
तो चलिए नोटिस करिए, मैंने दोनों करेक्टर चेंज कर दिए। अब चार्जर लगा के इसके सारे वोल्टेज वोल्टेज चेक कर लें कि वीएस वन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 04 ले रहा है और 06 ले रहा है, और 06 रीडिंग खतरनाक रीडिंग होती है, मतलब ये एमएमसी डायरी की भी रीडिंग होती है। चलिए सबसे पहले सारे वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार जल्दी जल्दी। तो देखिए ठीक है, पावर एक्टिवेट हो रहा है, 1.8 तो यहाँ आ रहा है, पर यहाँ पे 0.6 आ रहा है, यहाँ पे भी 1.8 आना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। अब बीपीएच तो बन ही रहा होगा, खैर ये बन रहा है। बूट कैपेसिटर चेक करेंगे, ठीक है, और आईसी स्विचिंग करी रही है तो ये तो बूट कैपेसिटर है। वीएस वन देखेंगे तो वीएस वन भी बन रहा है, एलडीओ बन गया है, ये अच्छी बात है। और ये देखेंगे कि आउटपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहां पे भी आ रहा है वोल्टेज, हो सकता है ये आईसी काम नहीं कर रही हो, ठीक है। ये वोल्टेज भी बन रहा है, तो ये वोल्टेज हमें इस कैपेसिटर में चेक करना है, मैंने डायरेक्ट इसमें चेक किया है, नोटिस करो। ये जो कैपेसिटर है इधर इधर चेक करना है, ठीक है। तो ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये इधर है, ये दूसरा वाला, ठीक है, 1.4। अभी मीडिया टीम में बहुत कुछ होता है चेक करने के लिए, कोर वोल्टेज चेक कर लेंगे 0.8, ठीक है, वोल्टेज सारे बन रहे हैं। और एक बार बैटरी लगा के चेक करता हूं मैं कहां जा रहा है सर्किट। नोटिस करो, अभी हमारा फोन ऑन नहीं हुआ है और ये हमारा 0.60 में जा रहा है, जो कि खतरनाक रीडिंग मानी जाती है। 0.60 अभी क्या है, 0.60 क्या होता है, ये एमएमसी और सीपीयू की रीडिंग होती है। तो दोस्तों हम जल्दी से इसका एमएमसी उतार लेते हैं और ये चेक करते हैं कि इसका पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि सेट में मैंने क्या बोला था, पहले से बहुत काम हुआ है, सीपीयू एमएमसी को हीट किया गया है और सीन ये है कि सीपीयू एमएमसी को हीट करने के बाद
बॉल ड्राई हो जाते हैं, निकल जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं। और हो जाता है इसकी एमएमसी भी खराब हो, सिक्स से मैं अक्सर एमएमसी खराब का आता है सीन। इसको छोटा कर देते हैं जंपर। अब चेक करेंगे हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि पोर्ट नहीं बनेगा तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। हो सकता है कोई रैम एम का साइड हो या एमएमसी का साइड हो जो कनेक्ट ना हो रहा हो। चलिए काम थोड़ा इजी होता जा रहा है क्योंकि वोल्टेज सारे बना लिए हैं, बोर्ड ओके है, सीपीयू एमएमसी तो चेंज भी कर सकते हैं, पर इतना है कि फिर डाटा नहीं बचेगा। मेन मकसला तो यही है ना, और यही क्या करें आजकल के बच्चों का। और ये ज्यादातर दुकान वाले ही सिखाते हैं, तो देखिए पोर्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है। ये देखो नोटिस करो मैंने लगाया हुआ है, पोर्ट नहीं बनने का रीजन यही होता है। अब इसका सीपीयू भी निकलेगा, सीपीयू भी निकाल देते हैं इसका। आप नोटिस करो ये बहुत सारे बॉल आप देखो ड्राई थे, लगे ही नहीं थे। दोस्तों मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे को क्या है, और मैं थोड़ा ब्रेक के बाद ये वीडियो को वापस बनाऊंगा, मैं इसलिए होल्ड पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, सिर्फ सीपीयू लगा के इसका पोर्ट बनाना है, और पोर्ट बनाने के बाद इसकी एमएमसी को वापस लगाना है। ऑलमोस्ट मेरा फोन ऑन मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर इसका एमएमसी हर्ट नहीं है और सीपीयू खराब नहीं है तो बिल्कुल सही है। और मुझे लग रहा है सीपीयू खराब नहीं है क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, स्टेबल है, और हर तरह का बग बन रहा है, फीडबैक सेंस हो रहा है, बस कुछ रैम की साइड के पोर्ट नहीं लगा, रैम की साइड के वो नहीं लगे थे यहाँ पर, तो इसलिए ये देखिए दिख रहे हैं यहाँ पर रैम एमएमसी की साइड के, ये देखिए दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल चुपके ही नहीं थे।
तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। तो आज ही फिर से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत जरूरी काम आ गया था ये समझ लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद में मैं नहाने चला गया, उसके बाद फिर अब वापस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी लैब में बना रहा हूँ अपने। ठीक है, तो आप देखिए हमें इसमें, जैसे कि मैंने वीडियो को छोड़ा था, इसमें CPU और सेम का सेम बोर्ड मैंने छोड़ा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ CPU को रिवॉल्व कर लिया है, रिवॉल्विंग में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है वीडियो का। आपको सीधे बताऊं कि फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। चलिए, तो रिवॉल्विंग मेरी डन हो गई है। अब मैं एक बार CPU को लगा के बाद पोर्ट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद MMC रिवॉल्व करने का वर्ड बनता है। क्योंकि नहीं, अगर CPU ने पोर्ट नहीं बनाया तो मतलब ये है मैटर कि बोर्ड में कोई इशू है। हालांकि अब पोर्ट ना बनाने का रीज़न बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, बट काम किए हुए बोर्ड में दोस्तों ऐसा ही होता है। और काम क्या है, काम अच्छा भी हो तो ज़्यादा अच्छा लगे कि भाई चलो शॉर्टिंग निकाल दी, अब ऑन नहीं हो रहा। यहाँ तो शॉर्टिंग भी कर दी है, CPU भी ड्राई कर दिया, बस ये है कि CPU ख़राब ना हो और MMC, नहीं तो क्या खर्चे बढ़ जाएंगे कस्टमर के बेमतलब में। मतलब जिनका बोर्ड है उनको MMC लगा के देंगे तो ऑब्वियसली MMC का चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. पोर्ट बन गया है, करो। आप देख रहे हो? तो ये जो पोर्ट बना है ये CPU रिवॉल्व करने से बना है। ठीक है, अब इसका ये भी चेक कर लेते हैं कि DC मशीन रीडिंग क्या आ रही है, क्योंकि तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना मोबाइल को लगाते हैं, क्योंकि हमने CPU भी रिवॉल्व कर दिया है और MMC भी रिवॉल्व करके लगा दी है और CPU भी रिवॉल्व करके लगा दिया है। तो नोटिस करो, और हमने क्या क्या नहीं किया, हमने बैटरी करेक्टर चेंज किया, हमने इसका VS1 को बनाया, हमने इसके VS2 को भी बनाया, VS2 को भी हमने बनाया, IC लगाई, फिर हमने सॉर्टिंग हटाई, सॉर्टिंग जैसे VS1 को हटाकर, फिर हमने इसके सारी लाइन चेक की। अब नोटिस करो, तो देखिए आप, हमारा फोन ऑन हो चुका है,
हमारा फोन ऑन हो चुका है और रिकवर हो चुका है सक्सेसफुली, हमने उसी वही डाटा को रिकवर किया है। तो ये जो जम्पर है दोस्तों, ये क्यों लगाया मैंने, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जब अपने शील्ड और केन उठाते हो तो आपके कंपोनेंट्स में ग्राउंड मिसिंग हो जाता है, वो कैसे ढूंढना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने वाला हूँ, तो इसको जरूर देखना। तो इस फोन को रिकवर करने में टाइम लगा है, बट रिकवर हो गया है। तो इस फोन को कैसे रिकवर किया है जल्दी से शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टिंग थी, तो मैंने यहाँ पे ना कैपेसिटर निकाला ना कुछ निकाला, ठीक है। और मैंने सबसे पहले यहाँ पे कॉइल निकला हुआ था, तो मैंने आईसी निकाला क्योंकि VS1 यहाँ आ रहा था, तो भी शॉर्टिंग नहीं गई, तो मैंने आईसी चेंज की तो शॉर्टिंग चली गई। फिर उसके बाद में मैंने इस आईसी को वापस लगाया, कॉइल को लगाया, और कॉइल को लगाने के बाद फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है, मतलब 0.60 की रीडिंग पे जा रहा है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड भी मार दिया। तो मैंने MMC निकाला तो पोर्ट नहीं बना था, तो उसके बाद मैंने CPU निकाल के रिबोल किया, पोर्ट बनाया, उसके बाद फिर MMC लगाया, तो इस जैसे तो तब जाके ये फोन मेरा सक्सेसफुली रिकवर हुआ है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और थ्योरी वीडियो चाहिए तो बता देना।